बुधवार को सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की औपचारिक घोषणा की थी, जहां माप पंचायत का आयोजन किया गया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मंच पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुई महापंचायत रैली पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि गुंडे माफियाओं के शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इस मंच के माध्यम से राष्ट्रवीर राजा सुहेलदेव के वंशजों को अपनामित करने का कार्य किया गया। राष्ट्र समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले राष्ट्रवीरों को शराबी व नशेड़ी कहा गया। इसका जवाब राजभर समाज जल्द ही देगा। मऊ जिले में गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय के अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा मऊ जिले के हलतरपुर में पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर महापंचायत नाम से एक रैली आयोजित की गई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। दोनों सुभाषपा व सपा अध्यक्षों की उपस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के गठबंधन की घोषणा की गई थी, जिसमें अनिल राजभर ने कहा कि सुभाषपा की महापंचायत गुंडे माफियाओं के सहयोग से व सपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम रहा, जिसमें राजभर समाज के नाम पर नकली लोग जुटे हुए थे जिनका सुहेलदेव सम्राट के वंश से कोई संबंध नहीं था। समाजवादी पार्टी का कड़ा प्रहार करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि सैयद सलार मसूद की पूजा करने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कभी चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव के सम्मान देना तक गवारा नहीं समझे। मऊ से संवाददाता कमलेश कुमार पाल की रिपोर्ट। चार की क्रांति, एक एक बात को आज आम जनता भी समझते है। अगर किसी चीज का दाम कुछ बढ़ा है तो उसके पीछे वजह क्या है, इसको भी जनता समझने लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली की हो, पूज्य मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकार ईमानदारी से काम, ये 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, जो इतिहास बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहाँ मुफ्त में वैक्सीन दी जाती है। क्या लगता है क्या वो लोग समझा लिए गुंडे और माफियाओं